वैसे तुम्हारे भाई ने काफी कमाल कर दिया है। अरे पूछे मत, कितनी मुश्किल से हुआ ये सब। सुरेखा जी, आप ये अपनी वाली रिंग इसमें रख दीजिए ना, इसमें दोनों साथ में रख देते हैं। हाँ रख दीजिए। नहीं नहीं, माँ जी ने मना किया है, मुहूर्त देखने के बाद ही वो सबको दिखाएंगे, तो सॉरी जी। हम आते हैं। ये वही वही डायमंड है ना जो आपने देखा था पिक्चर में? दो डायमंड एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लाओ सर, रखा हो रिंग। रिंग दो सुरेखा। तो वो डायमंड नहीं है। भाई साहब, मैं बताने वाली थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना सुरेखा। वो डायमंड कहाँ है जो माँ ने पसंद किया था और हमने ऑर्डर किया था? भाई साहब, मैं वही बताने वाली थी आपको कि ये वो है। ने दूसरा नग डलवा के भेज दिया अंगूठी में। इतना बड़ा धोखा? कोई धोखा नहीं दिया है भैया ने, बल्कि हमारे परिवार की इज्जत बचाई है। तुम्हें पता था तो कम से कम हमें तो बता देते। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला भाई साहब के कहने के बाद, जब मैंने भैया को फोन लगाया। पर क्यों किया तुम्हारे भाई ने ऐसा? अपनी बहन के ससुराल वालों के साथ इतना बड़ा धोखा, और हम इतने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे। माजी, भैया को भी कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने पता किया, किसी और ने हमसे ज्यादा पैसे देकर वो रेयर डायमंड्स ज्वेलर से ले लिया है। भैया ने तो ये तक कहा कि ये गोइनकास के लिए चाहिए हमें, लेकिन उसने मना कर दिया, बोला किसी और को जबान दे चुका है। माँ को बता दी कि वो डायमंड सिंघानिया के पास है, तो और नाराज हो जाती। माँ अगर यही काम स्वर्णा को दिया होता तो मैं जाने चूक भी हो जाता। 100 काम बता चुका हूँ उसे, एक बार भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। और सबसे जरूरी चीज में, पर यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसमें सुरेखा की कोई गलती नहीं। नहीं, गलती तो हमारी है, इसे और उसके भाई को ट्रस्ट किया। कितने लोग आए हुए हैं माँ, समाज के लोग हैं। मेरी जद रह जाएगी हमारी अगर किसी को पता चल गया। किसी को क्या पता चलेगा कि वो रेयर डायमंड नहीं है? मनीष को कैसे पता चला? लोग अंधे नहीं है सुरेखा, और ना ही बेवकूफ। और सिंघानिया हीरे के व्यापारी है, दिन रात पाला पड़ता है इनका ऐसे पत्थरों से। ये तो अपने है चुप रह जाएंगे, और बाहर वाले तो ताकते रहते हैं ऐसे मौकों के लिए। मनीष कुछ करो बेटा, वरना इतने सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में जल जाएगी। क्या करूं मां, कहां से हीरा प्रकट करूं? वो जरा पहले पता चल जाता तो हो सकता है कुछ कर पाता। क्या हुआ? मासी जी, सबके चेहरों का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? आई थिंक सो, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि या तो किसी गेस्ट ने कुछ कह दिया होगा, या मुहूर्त का इशू होगा। ये तो राजस्थान न्यूज के एडिटर है ना? बहुत पैनी नजर है माँ, और उससे भी तीखी जबान। अगर कहीं इसकी नजर पड़ गई तो यही के यही मन मौका नहीं चुकेगी। अच्छा सुनो, कीर्ति से बात हुई? कब तक आ रही है कीर्ति? तो मैडम,
मासी मासी ये नायरा नायरा ये मेरी मासी। हाय ब्यूटीफुल। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा था, बहुत प्यारी हो। हाँ बस 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 मेरी होने वाली बीवी पे अभी से नजर मत लगाओ। थैंक यू सो मच मेरे कार्तिक की लाइफ में आने के लिए। आई एम श्योर तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। बस शुरू हो गया ना, हमेशा तो इतनी कूल बनती हो लेकिन हो वही मम्मा टाइप्स। इतनी सी बात पर सेंटी हो गई। मासी हूँ मैं तेरी, मासी मतलब माँ के जैसी, सेंटी होना तो बनता है यार। अच्छा चलो सब लोग वेट कर रहे हैं, चलो। हाँ नायरा। एक बार फिर मैं आप सबका ध्यान बटाना चाहूंगी, नॉर्मल अंगूठी पहनाना तो सब करते हैं लेकिन जिनकी लव स्टोरी इतनी स्पेशल हो उनकी रिंग सेरेमनी तो और भी ज्यादा स्पेशल होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल होनी चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। जी हाँ, आप सब तो जानते हैं कि हमारे कार्तिक और नायरा की जोड़ी बिल्कुल कृष्ण जी और राधा जी जैसी है, और जहाँ राधे और कृष्ण की प्रेम की बात आती है वहाँ थोड़ी मस्ती थोड़ी छेड़खानी तो बनती है। हम सब जानते हैं कि किशन जी को अच्छा लगता था अपनी राधा को परेशान करना और कंकड़ से उनके और उनके सहेलियों के गड़े फोड़ना। बस इस राधा को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो नायरा और कार्तिक गुलेल उठाएंगे, अपने अपनी टर्न आने पर एक दूसरे पर फूल मारेंगे और अपने आप को बचाएंगे। ऐसा करने से सगाई से पहले ही पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम और शादी के बाद किसका चलेगा हुक्म। लोगों ने इतराज ना हो तो छोरा छोरी खेल खेल ले वे। कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जीतना तो किट्टू को ही है। आज तो तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। बहुत गुलेल चलाई है मैंने, एक ही बार में हरा दूंगी। हारने वाले तो हम भी नहीं, आफ्टर ऑल लड़के वालों की नाक का सवाल है। अब देखो बच्चों मैं क्या करती हूँ। सुन सुन रानी बिटिया, पति की जीत में ही अपनी जीत समझना। ज्यादा झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आत्मसमर्पण कर देना, समझी ना? एक एक मिनट का टाइम रहेगा। राधा जी शुरू हो जाइए। 1 2 3 गो। कौन कार्तिक? ये चूज कर लो, या तो कार्तिक या नायरा। ये कायरा कायरा क्या होता है? क्या करूं मुझसे कोई एक साइड चूज ही होता, मेरे लिए तो सिर्फ कायरा कायरा। शाबाश किट्टू बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो तुम ही जीतोगे। टाइम अप टाइम अप। डोंट वरी, प्यार में हार जीत नहीं होती। बिल्कुल कार्तिक अब तुम्हारी बारी, अपनी पोजीशन ले लो। अब देखो कैसे तुम्हें ऋषिकेश वाली टीना की याद दिलाती। नहीं नहीं तुम नायरा ठीक हो, टीना नीचे है, सॉरी। डरते हैं। अब देखो आगे आगे होता है क्या। टीना नायरा रेडी? ऑलवेज। 1 2 3 गो।
भी जीत होती। मैंने ऐसी थोड़ी इनका कायरा नाम रखा है, कार्तिक और नायरा का कायरा। कहते कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। अब ये सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन इन दोनों की जोड़ी देखकर यकीन करने को मन करता है। ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। इन दोनों में झगड़े हैं तो प्यार भी है, संग जीत है तो संग हार भी है। सच में इनका रिश्ता अपने आप में पूरा है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनके प्यार में ना कोई हदें हैं ना कोई शर्तें हैं, बस प्यार है और है उम्मीद। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।